और अब देखिए हमारी खास पेशकश। जितने प्रकार का निर्माण होता है सब होगा। कहां राम का जन्म हुआ था? मर्यादा में तो राम बोलो। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। अनुशासित करो, राम बोलो। अयोध्या में जिस बिंदु तक स्थिति पहुंच गई है, गोली चलाने का कोई औचित्य नहीं है, गोली न चलाई जाए। एक स्वायत्त ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, ये ट्रस्ट निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का कार्य पूरे रफ्तार में चल रहा है। अनुमान है कि दिसंबर 2023 तक अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन जाएगा। विराजमान भगवान राम के भव्य मंदिर में होगा, पूरा भारत, भारत राष्ट्र के गौरव मंदिर के अनुभूति करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा। राम भक्त अयोध्या में भव्य मंदिर बनने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि जब वो पल आएगा तो उसके पीछे राम मंदिर के निर्माण के लिए हर संघर्ष का एक लंबा इतिहास होगा। अयोध्या में राम मंदिर के लिए हुए संघर्ष के इस इतिहास में सबसे बड़ी तारीख है 6 दिसंबर। तीस साल पहले 6 दिसंबर 1992 वो तारीख थी जब देश भर से आए लाखों कार सेवक अयोध्या में कार सेवा के लिए जुटे थे। विश्व हिंदू परिषद ने कार सेवा का ऐलान किया था। उत्तर प्रदेश की कल्याण सिंह सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को ढांचे की सुरक्षा का भरोसा दिया था। माना जा रहा था कि 6 दिसंबर को प्रतीकात्मक कार सेवा होगी,
पूजा अर्चना के बाद ये कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 6 दिसंबर 1992 सुबह के 8 बजे कार सेवकों के बहुत से जत्थों का विवादित क्षेत्र की तरफ आना शुरू हो गया था। ये देखकर बहुत से पत्रकार भी कवरेज के लिए उस तरफ पहुंच गए। भीड़ बढ़ती जा रही थी। किसी भी घटना को रोकने के लिए विवादित ढांचे और कार सेवकों के बीच पीएसी जवान थे। कार सेवा की जगह के आसपास रातों रात बैरिकेटिंग भी की जा चुकी थी। आज की तैयारी कैसी है? पूरी तैयारी है, पूरी व्यवस्था बनी हुई है, लोगों में उत्साह है और कुछ होने की आशंका संभव है। सुबह के 10 बजे कार सेवा के लिए तय जगह के आसपास साधु महंत और आंदोलन का संचालन कर रहे बीजेपी के बहुत से नेताओं का जुटना शुरू हो गया। सुबह के 11 बजे 30 साल पहले 6 दिसंबर के उस दिन का यही वो वक्त था जब कार सेवकों के एक जत्थे ने पहली बार बैरिकेडिंग को तोड़ा। मामला नारेबाजी से आगे निकल गया था। कार सेवकों की भीड़ ने विवादित ढांचे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। सुबह के 11:43 तक हालात इतने खराब हो गए कि मौके पर सुरक्षा बल के लिए कुछ भी करना नामुमकिन हो गया। इस वक्त तक बहुत से कार सेवक मुख्य ढांचे तक पहुंच गए और कुछ ज्यादा जोशीले कार सेवक ढांचे पर चढ़ गए। सुबह के 11:55 दोपहर से ठीक पहले हालात ऐसे बन गए कि कार सेवकों को रोक पाना असंभव लगने लगा। हालांकि मौके पर मौजूद नेताओं द्वारा कार सेवकों से धीरज रखने की लगातार अपील की जा रही थी, लेकिन कार सेवकों ने विवादित ढांचे को तोड़ना शुरू कर दिया और शाम के 5 बजे तक विवादित ढांचा धराशायी कर दिया गया। तीस साल पहले 6 दिसंबर की तारीख को हुआ ये बदलाव इतना बड़ा था जिसने मंदिर के लिए 500 वर्षों के संघर्ष के इतिहास को बदल दिया। वो संघर्ष जो लगभग 500 साल पहले तब शुरू हुआ था जब बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में बने राम मंदिर को गिराया था। इस मंदिर के निर्माण की नींव ईसा से 57 साल पहले उस वक्त पड़ी जब सम्राट विक्रमादित्य अयोध्या पहुंचे और एक विशेष घटना के बाद उनको मालूम चला श्री राम जन्मभूमि यहां पर स्थित है। महाराजा विक्रमादित्य ने बहुत सारे अयोध्या में मंदिरों का निर्माण किया। ऐसा कथा में आता है कि श्री राम जन्मभूमि को जानने के लिए कि श्री राम जन्मभूमि है कहाँ, यहाँ एक गाय श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र में घूम रही थी और स्वतः उसके स्तन से दूध उसे गिरने लगा और तमाम चाहे वो गोंडा के राजा हों, चाहे वो बाबा अभिराम दास जी हों, चाहे अशोक सिंघल जी हों, अवैधनाथ जी हों और रामचंद्र दास जी परमहंस हों, इन सब लोगों ने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी और उसके परिणाम स्वरूप आज श्री राम जन्मभूमि आपके सामने है। सम्राट विक्रमादित्य ने जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण करवाया जो उनके बाद अलग अलग शासकों के संरक्षण में हिंदुओं की आस्था का केंद्र बना रहा। लेकिन 1528 में मीर बाकी ने अयोध्या पर आक्रमण कर तोप के गोलों से राम मंदिर को गिरा दिया। मीर बाकी ने राम मंदिर को गिराकर जन्मभूमि पर बाबरी मस्जिद बनवाई, लेकिन अपने आराध्य की जन्मभूमि को स्वतंत्र करवाने के लिए हिंदुओं ने बार बार जान की बाजी लगाई। साधुओं और पुरोहितों ने भी राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए शस्त्र उठाए। जिन्होंने राम जन्मभूमि को मुक्त कराने की कोशिश की, आज उनके वंशज उनके सपने को पूरा होता देखेंगे। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है?
तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।